नंबर सिस्टम में सबसे पहला क्वेश्चन आता है नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं, नेचुरल नंबर्स को नेचुरल नंबर्स क्यों बोला जाता है, वो समझने की कोशिश करते हैं बेसिकली। एक्चुअली व्हेन सिविलाइजेशन स्टार्टेड हमें ज़रूरत पड़ी घरों को काउंट करने की कि हमारे पास घर कितने हैं, या कितने लोग एक फैमिली में हैं, या कितने वेल हैं एक विलेज में। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन थे तो काउंटिंग की बहुत ज़रूरत पड़ रही थी उस केस में। तो जिस तरीके से हमारे हाथ में फिंगर्स कितनी हैं, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन जो हमारे आसपास रोज़मर्रा की लाइफ में जो ज़रूरत पड़ते हैं वो उस टाइप के क्वेश्चन में हम अटक गए थे काउंटिंग के नंबर्स में। काउंटिंग बेसिकली लाइक मेरे पास एक कोई गाय हैं, या फिर टू आईज हैं, या इस तरीके की जो चीज़ें हैं जिसके नाम है नेचर से अपने आप को जरूरत जोड़ना पड़ा, इसलिए उसका नाम नेचर से पड़ा नेचुरल नंबर्स। तो नेचर में अगर आपको कोई चीज़ दिखाई जाती है देखी जाती है तो वन से स्टार्ट होती है। लाइक मेरे पास वन मार्कर है तो आई विल से मतलब दिख सकता है ये, आई कैन सी दिस। तो दैट्स वाई नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो बेसिकली हम अपने आसपास की दुनिया में देख सकते हैं, नॉट लाइक लिटरल नंबर्स देख सकते हैं बट उसकी रिप्रेजेंटेशन हम जरूर देख सकते हैं। तो नेचुरल नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं, वन से स्टार्ट होते हैं, टू थ्री एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो इन नंबर्स को बोला जाता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करा जाता है कैपिटल एन से। तो अगर हम इन सब इस पूरे सेट को एक बैग में डाल दिया जाए वन से लेकर इन्फिनिटी तक नंबर्स को, तो उसको जो बैग का जो लेबल होगा वो हम इस तरीके से ले सकते हैं कि उसका जो लेबल है वो एन है। तो इस एन से हमें पता चल जाएगा कि इस बैग के अंदर वन से लेकर इन्फिनिटी तक नंबर्स डाले गए। सो मूविंग अहेड, ये तो हमारा फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स हो गया नेचुरल नंबर्स। देन अब मैं अपने हाथ में जो मार्कर है, एक मार्कर मैं रख दूँ, तो मैं अगर आपसे पूछूँ मेरे हाथ में कितने मार्कर हैं, तो बेसिकली आई डोंट हैव एनी मार्कर इन माय हैंड। तो उस कंडीशन में उसको क्या रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मैथ्स के अंदर इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। दीज आर नोन एज सिम्बल्स, सिम्बल्स फॉर वन, ओ एन वन, टू, थ्री। तो हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं मैथमेटिशियंस क्या करते हैं, उसको सिम्बॉलिक फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो वन टू थ्री दीज आर द सिम्बल्स फॉर अवर नेचुरल सेटिंग। तो उसी तरीके से आई डोंट हैव एनी मार्कर इन माई हैंड, तो मैं उसको कह सकता हूँ आई हैव जीरो मार्कर्स। तो इस बैग के अंदर जब जीरो जोड़ा गया तो ये जो बैग है वो कुछ ऐसा दिखाई देने लग गया, जिसमें जीरो वन टू थ्री इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स आ गए। और इस बैग का जो नाम है वो क्या दे दिया गया, होल नंबर्स। होल नंबर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है, होल नंबर्स को करा जाता है कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट। द पॉइंट इज, इसको होल नंबर्स क्यों बोला गया, क्या बोल मतलब क्या सोच सकते हो आप, क्या मैथमेटिशियंस जब उन्होंने सोचा होगा कि हमने इस जीरो को ऐड कर दिया तो वो बहुत खुश हुए होंगे। उन्होंने सोचा मैथ्स ख़त्म, काउंटिंग ख़त्म, एंड ऑफ द वर्ल्ड, होल, दैट्स इट, कंप्लीट। दैट्स व्हाई आई थिंक इनको होल नंबर्स बोला गया होगा। बट इनको क्या पता था, बेचारे बड़े दुखी हुए जब इनके पास चार ऑपरेशंस आ गए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। इन्होंने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया।